अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है वो दम कबाब है। तो ये दम कबाब जो है ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके अंदर कुछ थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ें ऐड होती हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो मैंने ये दम कबाब के लिए, कबाबों के लिए आधा किलो तकरीबन मैंने कीमा लिया है। कीमे के अंदर जो मैं ग्राइंड करके चीजें डालूंगी वो मेरे पास है तकरीबन ये दो ऑनियन है, और ये एक पीस मैंने ये जिंजर का लिया है, और ये मैंने तकरीबन तीन चार आप जो है वो ग्रीन चिल्ली ले लें इसके अंदर डालने के लिए। अगर आप ज्यादा पसंद करती हैं मिर्चे या स्पाइसी तो आप इसके अंदर ज्यादा भी ऐड कर सकती हैं। और कीमे के अंदर मैं शामिल करूंगी गरम मसाला। ये गरम मसाला है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, और तकरीबन 1 टीस्पून जो सॉल्ट है वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो मसाला बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको मैं सेपरेट पेस्ट बनाऊंगी। आपने ये पीस सेपरेट लेना है कीमे में डालने के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें और कैसे इसके अंदर डालनी है। तो साथ ही मसालों में मैंने ये सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, 1 टीस्पून चिली पाउडर है, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास टर्मरिक पाउडर है, और ये कोरिएंडर पाउडर है, और ये मेरे पास जीरा पाउडर, देखते हैं जीरा पाउडर है, और ये गरम मसाला है। फिर और इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। ये तकरीबन मैंने 4 टमाटर लिए हैं आधा किलो कीमे के लिए, क्योंकि इसका मसाला बनाने के लिए थोड़ा टमाटर हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आधा किलो कीमा है तो आपने आधा किलो ही टमाटर लेने हैं। साथ ही मैंने इसके गार्निश के लिए ये 2 चिली ली हैं, ग्रीन चिली ली हैं, और ये मेरे पास कोरिएंडर है। फिर जो कि हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे वो ये स्प्रिंग ऑनियन है। ये तकरीबन ये काफी बड़े थे, इस वजह से ये मैंने 3 लिए हैं। आधा किलो कीमे के अंदर इतने ऑनियन काफी होंगे। अगर आपके पास ये छोटे भी मिलते हैं, अगर स्मॉल साइज में मिलते हैं तो फिर इसके अंदर आप 6 ऐड कीजिएगा, तो क्योंकि इसी की खुशबू से ये जो दम कबाब है वो बहुत मजे के लगेंगे। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि कीमे के अंदर हमने कौन कौन सा मसाला ऐड करना है। कीमे के अंदर मसाला जो डलना है वो मैंने जो आपको दिखाया था, ये प्याज है, और ये ग्रीन चिली, ये देखें, और ये जिंजर जो मैंने एक पीस आपको दिखाया था, मैंने इसको काट के छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो मैं अब इसको चॉपर में डालूंगी। तो देखें मैंने इसको इस तरह से, ये पेस्ट नहीं बनाई इसकी, ये इस तरह से मोटा मोटा मैंने इसको इस शक्ल में चॉप कर लिया है। अब मैं इसको कीमे के अंदर ऐड, तो मैंने वो जो प्याज आपको दिखाया था, जिंजर और चिली, वो मैंने सारी, देखिए ये मोटी मोटी इस तरह मैंने चॉप करके तो इसके अंदर डाल दी है। फिर इसके अंदर मैं जो जो चीजें डालूंगी वो है गरम मसाला, तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूंगी। ये मेरे पास स्पून छोटा है इसलिए मैं, ये टीस्पून है तो मैं इसके 2 स्पून डालूंगी ताकि ये 1 टेबल स्पून एक हो जाए। फिर इसके अंदर मैं ये जीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब तकरीबन ऐड करूंगी, और फिर इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट मैं डालूंगी, ठीक है। ये चीजें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो आपने ये मसाला इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर थोड़ी सी आप, आपकी मर्जी के ऊपर है, थोड़ी सी आप क्रश चिली भी ऐड कर सकती हैं। तो ये मैंने कीमे का मसाला जो है वो सारा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब आप एक पैन ले लें, पैन में हमने इसको लाइट लाइट सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फुली कुक नहीं करना। अगर आप चाहे तो ये इसके छोटे छोटे कबाब बना के आप ओवन में भी कर सकती हैं, आप ग्रिल में भी कर सकती हैं, आपके पास 2-3 किस्म की चॉइस है, जैसे आप इजी कबाब बना सके वो बनाए। और मैं तो फ्राई पैन में ज्यादातर बनाती हूँ क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा मजे के भी बनते हैं और क्विक जल्दी से बन भी जाते हैं। तो ये मैंने फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल हमने बहुत ज्यादा नहीं डालना, और बहुत ज्यादा ऑयल डाल के हमने इसको फ्राई नहीं करने, हाफ कुक करना है हमने इसको, फुल कुक नहीं करना।
अब आपने ये करना है, ये देखें, आपने इसको दबा दबा कर बस आपने मोटे मोटे इसको इसके अंदर ऐसे रखते जाना है। आप छोटे छोटे कबाब बनाइएगा, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाते, क्योंकि सालन में जो कबाब है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं छोटे छोटे। जब हम इसको दम देंगे मसाले के अंदर तो ये और भी बहुत मजे के लगेंगे। बहुत नीट भी बनाने की आपको जरूरत नहीं, देखिए मैं बिल्कुल भी इसको नीट नहीं बनाती। और जब तक आपके कबाब आप एक साइड पे फ्राई करें तो जो मैंने आपको स्प्रिंग ऑनियन बताए थे वो आप काट लें, टमाटर को आप बारीक बारीक काट के रख लें, हरा धनिया आप हरी मिर्चें हरा धनिया वो भी आप बारीक बारीक काट के तो एक साइड पे रख लें ताकि टाइम की भी बचत हो। इस तरह से हमने ये जो सारे कबाब हैं वो लाइट लाइट से हमने ब्राउन कर लेने हैं, फुली कुक नहीं करना, हाफ कुक करना है। एक साइड से हो गए हैं, हमें इसको पलटना है दूसरी साइड पे। अभी पहले हम सारे अपने कबाब जो है वो करके रख लेंगे, इसको बिल्कुल फुल कुक नहीं करना, आपने हाफ कुक करना है। अब फुली कुक हम मसाले के अंदर जब ऐड करेंगे तो फिर उसके साथ होंगे, बस दो दो मिनट आपने इसको डाल डाल के साथ ही इसको निकालते जाना है। आज लोग फ्राई चीज़ें नहीं पसंद करते, जो लोग फ्राई नहीं खाना पसंद करते वो ओवन में कर सकते हैं, इसको ग्रिल में कर सकते हैं, कबाब बनाते जाए और फिर इसको मसाले में मैं ऐड करूँगी जब आपको दिखाऊँगी साथ साथ। हाँ जी, तो बस ये हमारे, अब हम इसको प्लेट में निकालते जाएंगे साथ साथ। बस दो दो मिनट के लिए आपने इसको रखना है, ज़्यादा इसको फूल फूल यहाँ पे अपनी सारी तैयारी कर ली है मसाला बनाने के लिए। जो दम कबाब मैंने इस तरह से ये सारे बना के तो एक प्लेट में रख दिए हैं, देखें इस तरह से ये कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, ऐसे ही आप अगर खाएंगी तो बहुत ही मजे के लगेंगे। अच्छा, तो आप एक पैन ले लें, पैन के अंदर आपने ऑयल ऐड करना है, ठीक है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हमने जो मैंने आपको ऑनियन बताए थे स्प्रिंग ऑनियन वो आपने थोड़े से इसके अंदर ऐड करने हैं, बस इसको हमने हल्का सा ब्राउन लाइट लाइट करना, ब्राउन करना है बस इसको, सॉफ्ट करेंगे प्याज को, ज्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। फिर साथ ही हम इसके अंदर गार्लिक और जिंजर पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिएगा। ये थोड़ा पतला था, मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको ग्राइंड किया, इस वजह से मैंने 2 चम्मच डाले हैं, वरना आप इसको जो इसकी पेस्ट है वो आप 2 चम्मच 1 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। फिर इसके साथ ही हमने इसके अंदर मसाले वो ऐड करने हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये हल्दी है, ये लाल मिर्च चिली पाउडर और ये सूखा धनिया पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर, और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और सॉल्ट हम 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाला आपने इस तरह बना लेना है। तो साथ ही हम इसके अंदर जो मैंने टमाटर के पीसेस बताए थे वो इसके अंदर ऐड करने हैं, बिल्कुल वेट नहीं करना क्योंकि मसाला जलने लगेगा, आप वेट अगर करेंगी तो। टमाटर डाल देने हैं, तो ये मैंने इसके अंदर साथ ही सारे टमाटर डाल दिए, अब ये आपका मसाला लगेगा नहीं। जैसे ही आप अपना मसाला ऑयल के अंदर डाल लेंगी तो साथ ही आपने टमाटर डाल देने हैं, टमाटर डाल देने हैं। तो टमाटर डालने के बाद हम इसको तकरीबन इसका हाफ पानी जो है टमाटर का वो हम ड्राई करेंगे, फुल ड्राई नहीं करना क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कबाब डाल के उसको दम देना है,
तो उस हाफ पानी में जो है वो आपका मसाला अच्छी तरह गलेगा। अभी हमने इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन भी नहीं डाले, थोड़ा सा हम टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे ये टमाटर। तेज आग पे कीजिएगा, इसको हल्की आग पे मत कीजिएगा, क्योंकि कीमा हमारा ऑलरेडी गल चुका है। हमने जो कबाब ये बनाए थे वो ऑलरेडी हमारे कुक हो चुके हैं, बस अब हम इस मसाले के अंदर इसको डाल के दम लगाएंगे। ये हमारे इस तरह दम कबाब जो हैं बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं। जो लोग फ्राई करना पसंद नहीं करते, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप इसको ग्रिल में भी कर सकती हैं, आप इसको फ्राई पैन में भी और ओवन में भी रख के आप इसके कबाब बना के तो आप इसके अंदर शामिल कर सकती हैं। कोई भी मुश्किल काम मैं आपको वो नहीं बताऊँगी जो कि आप ना कर सकें। हर मेरी रेसिपी में आपको यही एक्सप्लेन करती हूँ कि आप जो भी खाना बनाएं ईजी तरीके से बनाएं, और अगर आप अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे और सिंपल मसाला डालेंगे तो आपका जो खाना है वो बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो देखिए अब हमारे ये तकरीबन जो टमाटर है इसने पानी छोड़ दिया है, हाफ इसको कर लिया हमने। अब इस सूरत में मैं इसके अंदर वो सारे ऑनियन ऐड कर दूंगी, स्प्रिंग ऑनियन डालूंगी इसके अंदर। स्प्रिंग ऑनियन डाल के आपने अपनी चूल्हे की जो आग है वो उसको तेज ही रखना है, हल्का नहीं करना। आप इसको मिक्स कर दें, देखिए कितना अच्छा कलर आया है ये दोनों चीज़ों का, रेड और ग्रीन। फिर उसके साथ ही हमने वो जो कबाब हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। फिर आप कबाब डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अभी हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें नहीं डालेंगे क्योंकि वो बिल्कुल एंड में डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करने के बाद हल्की आग पे, पहले इसको तेज आग इसकी करके तो हम इसका जो टमाटर का ये पानी जो छोड़ेगा वो पानी हमने इसका ड्राई करना है, फिर इसको दम दे। आपने ये कबाब इसको डाल के बस आपने इसके चूल्हे की आग को हल्का कर देना है और इसको दम पे आप छोड़ दें। साथ साथ आप इसमें चम्मच मारती रहें, चेक करती रहें ताकि मसाला नीचे लगना नहीं चाहिए। जब ये मसाला आपका अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश करना है। मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ के कबाब कैसे रेडी होते हैं। तो जब आप देखें कि आपके टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल गए हैं तो आपने ये करना है कि इसकी आग को फुल करके तो आपने इसका जितना पानी इसमें टमाटर ने छोड़ा है वो सारा हम ड्राई करेंगे इसको। तो जब इसका सारा पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली और हरा धनिया डालकर इसको आप तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दें। दम देने के बाद बस आपके ये कबाब, दम कबाब जो है वो रेडी हैं। ये देखें बहुत मज़े के इस तरह ये दम कबाब हमारे रेडी होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई।